हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑइंटमेंट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके क्लासिफिकेशन। तो ऑइंटमेंट क्या होते हैं? ऑइंटमेंट क्या होते हैं? हमारे सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं। हम लोग यूज करते हैं उसको एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब अपनी स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन में। ये क्या होते हैं? ये ऑइंटमेंट बेस के अंदर ड्रग को, मेडिकामेंट को, मेडिसिन को हम लोग डिजोल्व करते हैं, यानी मिक्स करते हैं या सस्पेंड करते हैं या इमल्सिफाई करते हैं। ठीक। यानी ऑइंटमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी मेडिसिन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में ऑइंटमेंट का बेस। उसी बेस के अंदर हम लोग क्या है, मेडिसिन को डिजोल्व करते हैं। ठीक। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इमूलियंट प्रॉपर्टी होती है और प्रोटेक्टिव एक्शन होता है किस पे? हमारे स्किन के ऊपर। ठीक है। यानी इसकी इम्यूलियंट प्रॉपर्टी होती है और प्रोटेक्टिव एक्शन शो करता है ये हमारी स्किन पे। इम्यूलियंट प्रॉपर्टी क्या होती है? इम्यूलियंट प्रॉपर्टी मतलब सॉफ्ट करने की या स्मूथ करने की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होता है? ये यूज करते हैं हम लोग ड्रग को डिलीवर करने के लिए आई में, नोज में, वजाइना में और रेक्टम में। ठीक। इसमें ड्रग को डिलीवरी ड्रग की करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ऑइंटमेंट के? आइडियल ऑइंटमेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? पहले तो ये स्मूथ होना चाहिए, ग्रिटी नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल्स मेडिसिन की हमको पता नहीं चलना चाहिए, ये स्मूथ। अगर हम इसको स्किन पे लगाए तो हम अगर उसको टच करते तो वो स्मूथ हमें फील हो कि ये स्मूथ में इसमें कोई भी ग्रिटी पार्टिकल या सॉलिड पार्टिकल न हो। सेकेंड, ये मेल्ट हो जाए या सॉफ्ट हो जाए बॉडी के टेम्परेचर पे। यानी ये इजिली क्या है, अगर हम किसी एरिया पे, लोकल एरिया पे अप्लाई करें तो इजिली क्या है, ये मेल्ट हो जाए। Easily apply हो जाए, मतलब ये क्या है, apply करने में easy हो। और इसका जो base हो, ointment का base हो, वो non-irritant होना चाहिए, irritation नहीं cause करना चाहिए या redness ना cause करे, तभी ये ointment क्या है, ideal ointment की category में आएगा। Advantages क्या होता है? ये handle करने में easier होता है than liquid doses form। ये liquid doses form से इसको handle करने में आसानी होती है क्योंकि ये tubes में हम लोग ज्यादातर लेते हैं तो इसको handle करने में easier होता है। केमिकली स्टेबल होना चाहिए लिक्विड डोजेस फॉर्म से। डायरेक्ट आप अप्लाई करें हम स्किन के सरफेस पे, जिस पार्ट में हमें क्या है, कोई भी वुंड है, कोई भी चोट है, उस पे हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ज्यादा टाइम तक मेडिकामेंट यानी मेडिसिन का कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा होना चाहिए उस रीजन पे जहाँ पे अफेक्ट हो। ठीक। और क्या है, सूटेबल हो पेशेंट के लिए। सुटेबल होता है किसके लिए? पेशेंट के लिए जिनको पेरेंटल और ओरल डोज जो नहीं ले पाते हैं, पेरेंटल और ओरल डोज वो सेंसिटिव होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं पेरेंटल और ओरल डोज से, उनके लिए ये क्या होता है, सुटेबल होता है। ठीक। फिर क्या होते हैं डिसएडवांटेज? ये क्या होता है, थोड़ा बल्की होता है देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, और इसकी स्टेबिलिटी भी लेस होती है देन सॉलिड डोज फॉर्म। मतलब ऑइंटमेंट का मेडिसिन और बेस अलग होने के चांसेस होते हैं, इसमें स्टेबिलिटी लो होती है इसकी। अब क्लासिफिकेशंस में ऑइंटमेंट तीन टाइप के, एपिडर्मिक, इंडोडर्मिक और डायडर्मिक। एपिडर्मिक ऑइंटमेंट क्या रहता है? लोकलाइज एक्शन, मतलब स्किन के एपिडर्मिस लेयर के लिए। ये प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक और पैरासिटिसाइड्स के एक्शन शो करते हैं। इंडोडर्मिक क्या होते हैं? ये पेनिट्रेट होते हैं स्किन के अंदर, मतलब ये हमारे ऊपर एपिडर्मिस लेयर के लिए नहीं होते, ये इससे नीचे के लेयर में पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक। लोकल एक्शन दिखाते हैं, ये ज्यादातर इमूलियंट एक्शन या स्टिमुलेंट एक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। डायडर्मिक क्या होते हैं? ये क्या है, स्किन के डीप लेयर में पेनिट्रेट करते हैं और ब्लड के साथ क्या है, मिक्स करके, हमारे ब्लड के साथ मिक्स करके बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, यानी घूमते हैं बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी ये ऑइंटमेंट क्या है, बॉडी के डीपर लेयर में चले जाते हैं। एपिडर्मिक वाले ऑइंटमेंट एपिडर्मिस लेयर में, इंडोडर्मिक उससे नीचे डर्मिस लेयर में, और डायडर्मिक यानी वो ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ये हमारे क्लासिफिकेशन है ऑइंटमेंट के। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।